हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी मीशो हॉल, एंड आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी मीशो से ड्रेसेस का हॉल वीडियो। मेरे पिछले मीशो के ड्रेसेस हॉल वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया था मुझे कि मैं कुछ ऐसी ड्रेसेस दिखाऊँ मीशो से जिनका साइज़ स्टार्ट होता है एक्स्ट्रा स्मॉल से। सो आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ से स्टार्ट होने वाली ड्रेसेस का कलेक्शन। सो मैंने इस हॉल में कुछ इस तरह की ड्रेसेस इंक्लूड किए हैं जिनका साइज़ स्टार्ट होता है एक्स्ट्रा स्मॉल से और अप टू आपको मिल जाएगा 5XL तक। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंने ड्रेसेस आज के हॉल वीडियो में इंक्लूड किए हैं। आपको आज के हॉल वीडियो में शॉर्ट ड्रेस, लॉन्ग ड्रेस एंड मिडी ड्रेस का कलेक्शन देखने को मिलेगा। आई होप आपके लिए आज का हॉल वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा आपको। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, आप ऐसी वीडियो एंजॉय करते रहें। एंड अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच गाइज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट जो पीस मैं आपके साथ में शेयर करूंगी वो कुछ इस तरह की ड्रेस है। वाइट इसका बेस है एंड इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा फ्लोरल प्रिंट किया गया है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। साइज इसमें आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर के 4XL तक आपको इसमें साइज़ मिल जाएगा। फैब्रिक इसका वहाँ पर रियॉन मेंशन था, बट ये रियॉन मिक्स मुझे फैब्रिक फील हो रहा है एंड मैंने अपना साइज़ इसमें बाय किया है XL। मेरा ट्रू साइज़ XL है, मेरी हाइट है 5'4", तो कुछ राउंड इसका नेक है एंड वी कट की डिटेलिंग आपको राउंड नेक के साथ में फ्रंट में मिलेगी एंड कुछ इस तरह से नेक लाइन पर आपको क्रोशिया लेस की डिटेलिंग एंड पोम पोम लेस जो होती है उसकी डिटेलिंग यहाँ पर मिलेगी जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। बहुत प्यारा सा इसका शेड है और समर्स में इस तरह की ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। काफ़ी प्यारा सा फैब्रिक है, रेयॉन मिक्स है इसका फैब्रिक, वहाँ मेंशन था रेयॉन बट ये रेयॉन मिक्स फैब्रिक है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, व्हाइट बेस के ऊपर इस तरह का जो प्रिंट इन्होंने किया है वो बहुत ज़्यादा खिलके आ रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा है, प्यारा लग रहा है बहुत ज़्यादा एंड काफ़ी समर वाइब दे रहा है। 3/4 इसकी स्लीव्स है, स्लीव्स के ऊपर अगेन आपको क्रोशिया लेस मिल जाएगी जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। वेस्ट एरिया तक ये ड्रेस आपको प्रॉपर फिट आएगा, उसके बाद में इसका फ्लेयर स्टार्ट हो जाता है। फ्लेयर आपको कुछ इतना मिलता है, आपको ट्राई ऑन में इसका आइडिया हो जाएगा इसके फ्लेयर का। एंड ये मुझे नी लेंथ तक आई थी। इसके एंड पार्ट पर भी आपको कुछ इस तरह की क्रोशिया लेस की डिटेलिंग मिल जाएगी एंड बैक पार्ट से भी ये प्रिंट के साथ में आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। फैब्रिक के सेल्फ में इसका प्रिंट है, वॉश करने पे कुछ भी ख़राब नहीं होगा एंड इसके बैक के एंड पार्ट पर भी आपको इस तरह से क्रोशिया लेस की डिटेलिंग मिल जाएगी। 355 के रेंज में मैंने इसको बाय किया है एंड हाँ, ये भी रिक्वेस्ट थी कि बिल्कुल कम बजट में अंडर 400 समथिंग के रेंज में आप कुछ ड्रेसेस दिखाइएगा। तो सारा ही कलेक्शन अंडर 400 की रेंज में है, एक ड्रेस है जो 450 की रेंज में है, बाकी सारा ही कलेक्शन 400 की रेंज में आपको आज का मिल जाएगा। सो काफ़ी अफोर्डेबल सा आज का हॉल वीडियो है एंड ये भी 355 की रेंज में मैंने बाय किया है इसको। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लुक आया। इसको आप जीन्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, एज अ ड्रेस भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। सो ड्रेस बहुत प्यारी सी है, अफोर्डेबल है, आपको पसंद आ रही है तो डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हैं। नाउ इस हॉल का अगला जो पीस है वो कुछ इस तरह का इलायची ग्रीन शेड में मैंने इसे बाय किया है। इसमें आपको 3-4 शेड और मिल जाते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा शेड है इसलिए मैंने इसको बाय किया है। एंड इसका जो फैब्रिक है वो क्रेप फैब्रिक है, फैब्रिक सॉफ्ट है, अच्छा फैब्रिक है, आप इजीली समर्स में वेयर कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी। एंड साइजेस इसमें आपको मिल जाएंगे एक्स्ट्रा स्मॉल से 3XL तक आपको इसमें साइज़ मिल जाएंगे। मैंने अपना साइज़ इसमें परचेज़ किया है XL। सो कुछ इस तरह की ड्रेस है, स्क्वायर नेक आपको मिल जाएगा आगे एंड पीछे दोनों ही तरफ से एंड फ्रंट में आपको कुछ इस तरह की बटन की डिटेलिंग मिलती है और ये जो बटन है ये वुडन बटन है एंड वेस्ट एरिया पर इसके कुछ इस तरह से इलास्टिक की डिटेलिंग दी गई है ताकि आपके जो वेस्ट एरिया पर एकदम प्रॉपर ये फिट हो जाए। उसके बाद इसका फ्लेयर स्टार्ट होता है, तो फ्लेयर आपको कुछ इतना इसमें मिल जाता है। फ्लेयर का आइडिया आपको ट्राई ऑन में देख करके हो जाएगा कि कितना इसका फ्लेयर है और बहुत ही प्यारा सा इसके ऊपर प्रिंट वर्क किया गया है, वाइट प्रिंट वर्क है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये भी फैब्रिक के सेल्फ में है, वॉश करने पर नहीं ख़राब होने वाला। ये जो ड्रेस है वो मुझे नी लेंथ से थोड़ा सा नीचे तक आया है तो काफ़ी अच्छा लगा पहनने के बाद में। बैक साइड भी आपको सेम जैसा फ्रंट था वैसा ही इसका बैक साइड मिलेगा एंड इस ड्रेस में आपको शॉर्ट स्लीव्स मिलती है, स्लीव्स के ऊपर भी आपको इलास्टिक की डिटेलिंग मिल जाएगी, तो काफ़ी स्मार्ट लुक आ रहा है इस ड्रेस को वेयर करने के बाद में। आपको अगर पसंद आती है तो डेफिनेटली आप इसे भी परचेज कर सकते हैं, इसका भी कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ नेक्स्ट जो पीस मैं आपके साथ में शेयर करूंगी वो भी काफ़ी खूबसूरत सी ड्रेस है और ये ब्लू शेड में मैंने इसे परचेज किया है, काफ़ी खूबसूरत सा ब्लू शेड है। इसमें भी मैंने अपना साइज़ XL बाय किया है, आपको इसमें साइज़ मिल जाएंगे एक्स्ट्रा स्मॉल से 3XL तक आपको इसमें साइजेस मिल जाएंगे और ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। बहुत प्यारा सा रेयॉन इसका फैब्रिक है, काफ़ी सॉफ्ट इसका रेयॉन फैब्रिक है, बहुत पसंद आया मुझे
लीजिए एंड वी आपको इसमें नेक मिलता है फ्रंट में एंड बैक में आपको इसका नेक स्क्वायर मिल जाता है। बैक में आपको इस तरह से डोरी की डिटेलिंग दी गई है क्योंकि इसका बैक जो बैक का जो नेक है वो थोड़ा डीप है तो ये शोल्डर्स इस तरह से गिरे नहीं, इस वजह से यहाँ पर इन्होंने डोरी अटैच करके दी है। तो फ्रंट लुक इस तरह से आता है। फ्रंट में आपको कुछ इस तरह से आलिया कट वाली डिटेलिंग मिल जाएगी। यहाँ पर आलिया कट की डिटेलिंग के साथ में आपको यहाँ पर गैदरिंग मिल जाती है, छोटी छोटी सी गैदरिंग दी गई है जिससे इसका फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है और बहुत प्यारा लगा ये पहनने के बाद में। एंड इसकी है 3/4 स्लीव, स्लीव्स के ऊपर भी यहाँ पर गैदरिंग दी गई है शोल्डर पर ताकि एक पफी लुक मिल सके। एंड स्लीव्स के एंड पार्ट पर इस तरह से इलास्टिक की डिटेलिंग दी गई है। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी मुझे ये ड्रेस एंड ये मुझे नीज से थोड़ी सी ऊपर आई थी, थाइज एरिया तक ये मुझे ड्रेस आई थी। एंड बैक साइड इस तरह से है इसका, बैक में भी आपको पूरा गैदरिंग की डिटेलिंग मिलती है। बहुत प्यारा लग रहा है पहनने के बाद में और इतना इसका फ्लेयर आ जाता है। पूरा प्रिंटिंग वर्क है इसके ऊपर और ये भी सेल्फ में है, वॉश करने पर ये भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और इसको भी आई थिंक मैंने, जी हाँ, 357 की रेंज में बाय किया है तो इस प्राइस में मस्ट बाय पीस है। मैंने इसमें अपना एक्सल साइज़ बाय किया है तो ये मुझे हल्का सा लूज़ है। अगर आप चाहें तो एक साइज़ डाउन इसमें जा सकते हैं, एक साइज़ अपना छोटा इसमें आप बाय कर सकते हैं प्रॉपर फिट अगर आपको चाहिए तो। बाकी मुझे ये लूज़ भी अच्छा लगा। सो इस ड्रेस को आप अलग अलग तरह से स्टाइल कर सकते हैं, एज अ शॉर्ट कुर्ती, एज अ ड्रेस भी आप इसको वेयर कर सकते हैं एंड इसके साथ आप प्लाजो भी वेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आप इसके साथ पहन लो एंड इसके साथ में आप मेटल क्लच जो होते हैं वो वेयर करो एंड व्हाइट सैंडल के साथ में, ये काफ़ी ज़्यादा इसका लुक ब्यूटीफुल आने वाला है। तो आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि आपको कैसे इसे स्टाइल करना है। तो इसका भी कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब नेक्स्ट जो पीस मैं आपके साथ में शेयर करूंगी वो कुछ इस तरह की येलो कलर की ड्रेस मैंने बाय की है। इसमें 3 या 4 शेड आपको और भी मिल जाएंगे। इसमें मैंने अपना साइज़ परचेज किया है एक्सल। इसमें आपको साइज़ मिल जाएंगे स्मॉल से लेकर के एक्सल तक एंड इसकी भी प्राइस है 350 अराउंड ही इसकी भी प्राइस है। तो कुछ इस तरह का ये ड्रेस है। इसमें आप एक्स्ट्रा स्मॉल वाले भी इसको बाय कर सकते हैं। स्मॉल साइज़ अगर आप बाय करते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल वाले तो उनको भी ये परफेक्ट फिट आ जाएगा क्योंकि एकदम परफेक्ट इसका फिटिंग आया है। सो कुछ इस तरह का इसका नेक है। यहाँ पर ये क्रोशिया की लेस यहाँ पर लगाई गई है और ये स्ट्रेचेबल है ताकि आपको पहनने में ईजी हो, आपको ईजिली आपके हेड में ये आ जाए। तो काफ़ी प्यारी सी ये डिटेलिंग यहाँ पर की गई है। उसके बाद में यहाँ पर क्रोशिया लेस की डिटेलिंग की गई है नेकलाइन पर और ये जाती है पूरे वेस्ट एरिया तक। और यहाँ पर बटन की डिटेलिंग की गई है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं बटन जो लगाए गए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। लुक इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फैब्रिक इसका जॉर्जेट है और पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा इसका लुक आया। ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है ड्रेस। एंड इसके शोल्डर पर पफ स्लीव्स आपको मिलती हैं, यहाँ पर गैदरिंग मिलती है ताकि पफ लुक आए। स्लीव्स के एंड पार्ट पर भी आपको कुछ इस तरह से क्रोशिया लेस की डिटेलिंग मिलती है, बहुत प्यारा लग रहा है। इसके ऊपर बहुत छोटा छोटा सा प्रिंट है फैब्रिक के सेल्फ में। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी ये ड्रेस है और बहुत प्यारी लगी मुझे, इसका फिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। एंड वेस्ट एरिया पर आपको कुछ इस तरह से इलास्टिक की डिटेलिंग मिल जाएगी एंड यहाँ पर क्रश्ड आपको लुक मिलेगा और बहुत प्यारा सा इसका फ्लेयर है। एंड लेंथ इसकी जो है वो मुझे नी लेंथ तक आई है। बैक साइड से भी ये कुछ इस तरह से है, बैक में भी आपको क्रश्ड फैब्रिक मिलेगा। बहुत प्यारी सी लग रही है ये ड्रेस बट एंड आपको इसमें हाँ इनर भी अटैच मिलता है, ये देखिए। बट इनर का कपड़ा मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा है, उतना ज़्यादा अच्छा इसका इनर का फैब्रिक नहीं है। इस ड्रेस के साथ में आपको बेल्ट भी मिलती है तो बेल्ट की क्वालिटी उतनी ज़्यादा तो अच्छी नहीं है। ये जो आप सामने बेल्ट पे डिटेलिंग देख रहे हैं ये पूरी प्लास्टिक से बनाई गई है। अच्छी है, ठीक ठाक इसकी बेल्ट है, चल जाएगा काम, आप चला सकते हैं इस बेल्ट के साथ में। स्ट्रेचेबल बेल्ट है और बेल्ट लगाने के बाद में ही इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया। एंड बैक से कुछ इस तरह से आपको क्लोजर मिल जाता है इसका। सो बेल्ट भी अच्छी है, ओके टाइप बेल्ट है। सो ड्रेस पहनने के बाद में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। बस एक ही इसमें माइनस पॉइंट मुझे लगा कि इसका जो इनर का फैब्रिक है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बाकी इसका जो जॉर्जेट का फैब्रिक है वो उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ इस हॉल का लास्ट जो पीस मैं आपके साथ में शेयर करूंगी वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और कुछ इस तरह के मरून शेड में मैंने इस ड्रेस को बाय किया है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, डॉबी फैब्रिक में ये ड्रेस है, डॉबी शिफॉन फैब्रिक में। एंड इसमें मैंने अपना साइज़ बाय किया है एक्सल। इसमें आपको साइज़ मिल जाएंगे एक्स्ट्रा स्मॉल से 5XL तक आपको इसमें साइजेस अवेलेबल हैं और कलर शेड भी आपको काफ़ी सारे इस ड्रेस में मिल जाएंगे।
तो ये देखिए कुछ इस तरह की ये ड्रेस है और आप इसको ऑफ शोल्डर की तरह भी वेयर कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी एज इट इज़ इसको वेयर कर सकते हैं। तो शोल्डर पर आपको कुछ इस तरह का इलास्टिक की डिटेलिंग मिलती है ताकि ये काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो जाए आपके शोल्डर पर। एंड यहाँ पर आपको पूरा इलास्टिक की डिटेलिंग मिलती है ये देखिए, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, ईजिली आप इसको वेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल लगी ये ड्रेस मेरे को, और अगर आप वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। और बहुत प्यारा सा इसका शेड मुझे लगा, एंड 3/4 इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स के एंड पार्ट पर भी आपको कुछ इस तरह से इलास्टिक की डिटेलिंग मिलती है और ये इस तरह से पफी स्लीव्स का लुक देती हैं। एंड वेस्ट एरिया के बाद में यहाँ से गैदरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो फ्लेयर इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फ्लेयर आपको ट्राई ऑन में क्लियर हो जाएगा। बहुत प्यारा सा इसका फ्लेयर है, इसमें आपको लाइनिंग भी अटैच मिल जाएगी ड्रेस में, तो इसका लाइनिंग का फैब्रिक अच्छा है, येलो वाली ड्रेस से ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इसका फैब्रिक। एंड इसका जो प्राइस है वो है 450, तो 450 की रेंज में बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये ड्रेस है। ये ड्रेस एंकल लेंथ से मुझे थोड़ी सी ऊपर आई थी, तो आप आइडिया लगा लीजिएगा अपनी हाइट के अकॉर्डिंग कि आपको कहाँ तक आएगी। मेरी 5'4" है हाइट, तो मुझे ये एंकल लेंथ से थोड़ी सी ऊपर तक आई थी। एंड आपको इसके साथ में पहनना होगा या तो न्यूड इनरवेयर या फिर आप स्ट्रैपलेस ब्रा इसके साथ वेयर करिएगा, क्योंकि ये पूरी यहाँ से शेयर है शोल्डर से, तो ये इसके साथ आपको स्ट्रैपलेस ब्रा ही वेयर करनी पड़ेगी, तभी आपको इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा है, एंड बैक साइड से भी आपको पूरा इलास्टिक की डिटेलिंग मिलेगी, अच्छे से ये आपकी बॉडी पे फिट हो जाता है। काफ़ी अच्छी प्राइस में काफ़ी अच्छी सी ड्रेस आपको मिल जाएगी, अगर पसंद आ रही है तो हाईली रिकमेंडेड पीस है, डेफिनेटली आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज, यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस हॉल वीडियो में से कौन सा पीस सबसे ज़्यादा पसंद आया है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।